एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ गार्नियर हेयर कलर कैसे अप्लाई करते हैं, परफेक्ट तरीका क्या है, कितनी देर रखना चाहिए और इसका रिजल्ट कैसा आता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा अच्छे से अप्लाई करके दिखाया हुआ है और अच्छे से कलर भी आ गया है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ जाइए उस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। उस पर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो रेड कलर का बटन जो वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, मेरा इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24, उस पर मैं अपनी रील्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जाइए, प्रीत तिवारी 24 इंस्टा आईडी है। इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी जरूर देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं गार्नियर का हेयर कलर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। गार्नियर का ब्लैक हेयर कलर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेवलपर है विद ब्लैक कलर वाला कलर इंट है। दोनों को अच्छे से कट करेंगे और मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से पूरा डेवलपर मैंने एक कटोरी में ले लिया है। यहाँ पे कांच की कटोरी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने स्टील की ली है। बट आप अगर ऐसा हेयर कलर ब्लीच कुछ भी अप्लाई करते हो तो आप कांच की कटोरी में अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ओके, ये देख सकते हो ये डेवलपर है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा हो। और ये कलर इंट है ए और ये बी है। इन दोनों को अच्छे से कट करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो आपको दो पैकेट लग जाएगा। यहाँ पे एक ही पैकेट में मैंने अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे बाहर आई हुई हूँ घूमने, जैसा कि आप लोगों को ब्लॉग चैनल पर पता चला ही होगा, राजस्थान में आई हुई हूँ। तो यहाँ पे पार्लर में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही भाभी जी कलर कर रही थी तो मैंने बोला दीजिए मैं कलर भी कर देती हूँ आपको और इसका वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो अच्छे से मैं इसको निकाल दे रही हूँ। इसको निकालने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपको अप्लाई करना है। ग्लव्स हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ग्लव्स नहीं हैं तो एक देसी टिप्स बता देती हूँ जिससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है दोनों हमारा डेवलपर विथ कलर इंट कलर करेक्टर। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद से आपको हाथों में क्या करना है, पोलथीन बांध लेनी है। जो सब्जी वब्जी खरीदते हो तो प्लास्टिक की पोलथीन मिलती है वो ले लीजिए, उसको अच्छे से हाथों में बांध लीजिए। जैसे कि मैंने अपने हाथों में बांध लिया है। अब जहाँ भी इनके बाल बहुत अंदर से वाइट है, मैं अभी दिखाऊँगी भी आपको जितना वाइट है, उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से मैं पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। और जैसे आप ये लगा रहे हो, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसको ऐसे एक पूरे बालों में इक्वल लगने के लिए लगाने के लिए क्या करोगे, पहले तो आप इस तरीके से पूरा कलर बालों पे लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा वाइट हैं इनके हेयर, आई होप दिख रहा हो आप लोग को। तो अच्छे से अप्लाई करेंगे और जब पूरा आप लगा लोगे उसके बाद आपको कंघी लेनी है और अच्छे से कॉम कर देना। उससे क्या होगा कि आपका एक भी बाल छूटेगा नहीं और सारे बाल अच्छे से कलर हो जाएंगे। और कम से कम 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा रखने के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, आपके बालों में अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसका रिजल्ट अच्छा है क्योंकि अप्लाई कर रखा है तो आप लोग को दिखा रही हूँ। तो आप ये अगर वाइट वालों पे ये ब्लैक वाला गार्नियर हेयर कलर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई गार्नियर हेयर कलर, तो ये देखिए कितने ज़्यादा वाइट हेयर है यहाँ पे।
अच्छे से अप्लाई करने के बाद से मैं इस तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। जब अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से चेक कर लीजिए कहीं छूट तो नहीं गया। तो जब अच्छे से आप अप्लाई कर लोगे तो जहाँ जहाँ रह गया है वहाँ पे मैं बचे हुए क्रीम्स को अच्छे से लगा दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। लेंथ में भी आप अप्लाई कर लो। अगर आपके लेंथ में भी वाइट हेयर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद से इस तरीके से कॉम कर लो ताकि जितना भी कलर आपने लगाया है वो पूरे बालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप जूड़ा या फिर क्लच कुछ भी लगा के बालों को सेट करके छोड़ दो आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया है पूरा और अभी मैं जूड़ा बना दिया। यहाँ पे बाद में मेरी पॉलिथीन खुल गई थी जिसकी वजह से मेरे दो फिंगर्स में कलर लग भी गया था। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद पूरा अच्छे से बालों में कलर मिक्स हो चुका है, पूरा अच्छे से कलर आ गया है। तो फिर मैंने बाद में इनके बालों को स्ट्रेट भी किया था, नीचे से बाल काफ़ी डैमेज थे तो उसको कट भी करना था तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं ली है। रात को हम लोग पार्टी करने गए हुए थे, पार्टी में जाना था इसलिए मैंने इनके बालों को स्ट्रेट कर दी थी फिलिप्स के स्ट्रेटनर से। इसमें मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेटनिंग के टिप्स भी दे देती हूँ। जैसे आपको बालों को स्ट्रेट करना है तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको नीचे से पतली पतली लेयर्स लेनी है। डायरेक्ट आप ऊपर से स्ट्रेट करते हो तो वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं होता है, और आप नीचे से पतली पतली लेयर लेकर स्ट्रेट करोगे तो वो अच्छे से पूरा ऊपर तक बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। इस तरीके से पतली पतली लेयर लीजिए, उसको कॉम कर लीजिए और फिर आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लीजिए। अगर आप फिक्सर या फिर सीरम लगा के स्ट्रेट करोगे या फिर कर्ल करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है। आप ऐसे ही बस नॉर्मली कर रहे हो तो ये आपका 2-3 घंटे के लिए ठीक रहेगा, बाकी फिर से नॉर्मल हो जाता है। जैसा आपका बालों का क्वालिटी है वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनके बहुत ज़्यादा ही कर्ली हेयर हैं। देख सकते हो नीचे के बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे तो इस तरीके से पतली पतली लेयर्स ले रही थी मैं और स्ट्रेट कर रही थी इनके बालों को। ओके तो ये हो चुका है हमारा। तो थोड़े से बाल भी बचे हैं यहाँ पे, वो भी मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ।
और फिर आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल लुक इनका। आई थिंक ये फाइनल लुक मैंने लिया नहीं था फ़ोटो वगैरह, बट फिर भी आपको दिख ही रहा होगा। ये वीडियो रात की है तो अगर लाइटनिंग प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा गाइस। ओके बहुत ज़्यादा ही कर्ली वाले हेयर है तो इनको दोबारा से एक बार स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, गो टू माय इंस्टा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप अच्छा लगा हो, पसंद आया हो वीडियो। अगर आपके भी बाल इस तरीके से वाइट हो रहे हैं, अगर आप गार्नियर हेयर कलर लेना चाहते हो तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। तो अगर वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल पर जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।